पाकुड़ जिला के पंचवाड़ा सेंट्रल कोल ब्लॉक में कोयला का अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी है। WBPDCL को आवंटित कोल ब्लॉक में लूट का आलम बना हुआ है। इस गौरव धंधे का आश्चर्यजनक पहलू यह है कि जिस प्रखंड और जिला स्तरीय टास्क फोर्स की टीम को अवैध कारोबार पर नकेल कसने की जिम्मेदारी दी गई है, वही मुंह धारण कर बैठे हैं। दरअसल पाकुड़ जिला के पंचवाड़ा सेंट्रल कोल ब्लॉक और WBPDCL कंपनी को कोयला उत्खनन करने के लिए सरकार के द्वारा आवंटित किया गया है। कंपनी के द्वारा उत्खनन किए गए कोयला को BGR ट्रांसपोर्ट के द्वारा रेल साइडिंग पाकुड़ तक लाने का कार्यभार आवंटित है। यहां से रेल के माध्यम से कोयला को पश्चिम बंगाल अपने गंतव्य स्थान तक भेजा जाता है। स्थानीय प्रशासन के द्वारा मौन समर्थन किए जाने के कारण उक्त दोनों कंपनी के साठ गाड़ कर मानक नियम को ताक पर रखकर ट्रांसपोर्टिंग का काम किया जा रहा है। कंपनी में चलने वाली अधिकांश ट्रक का डाला मानक नियम से ज्यादा है। कोयला खदान से प्रतिदिन सैकड़ों ट्रक ओवरलोड कोयला लेकर परिचालन करती है, जिसे सरकार को लाखों लाख रुपए का राजस्व का चूना कंपनी के द्वारा लगाया। सूत्र बताते हैं कि ट्रांसपोर्टिंग कार्य में लगे ट्रक के संपूर्ण कागज, चालक का ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य कागजातों की भी निष्पक्ष जांच की जाए तो इसमें भी बड़े पैमाने पर अनियमितता पाए जाने से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्या बना रहे हैं भैया यहाँ पर? गेट पास है। उस साइड गेट वो ना गेट पास। ये गेट पास कहाँ है? कोई हूँ क्या? इंचार्ज में कौन है? कौन लिख रहा है? GST कौन लिख रहा है? हो गया काटा में। काटा में जा रहा है। हम भी काटा में गया है। आप बैठे हुए यहाँ पर अभी? हाँ हम। आप क्या करते हैं? फॉरेड काट रहे हैं, GST भी काटते हैं। और ये क्या करते हैं? दोनों अभी GST। कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं? नियमता कितने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर? यहाँ पे नियम से कितने लोग हैं? नियम से कितने लोग हैं? नियम से कितने? कंपनी का रूल है ना, उस रूल में कितने लोग को बैठना है आपको? सर अभी तो फिलहाल ऐसा कोई बात नहीं बताया गया। नहीं बताया गया है। आई कार्ड है आपका? आई कार्ड सर? आप यहाँ अंशजी बैठे हुए हैं, कंपनी का आई कार्ड दिया हुआ है? सर अभी तो। शुभ नाम आपका? अमित कुमार सिंह। आपका शुभ नाम? दनियाल मुर्मू। दनियाल मुर्मू। और आप सर? विजय कुमार जायसवाल। यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं, मतलब हम लोग आमला पड़ा में रहते हैं। आते जाते काम कर रहे हैं। हो क्या रेट है GST में? क्या कितना काटते हैं GST में? कितना काटते हैं? क्या काटते हैं GST में? कितना राशि लेते हैं आप? अमाउंट क्या लेते हैं GST में? सर जैसे 2.5% टन पे कितना लेते हैं? टन एक गाड़ी पे कितने लोड रहता है? मान लीजिए कि अगर किसी में 32 टन लोड है उस पे कितना आप लीजिएगा GST टैक्स? सर तो उसमें GST जैसे 2.5% है सर, टन के ऊपर 2.5% अब ड्राइवर है? हाँ। कहाँ गाड़ी चलता आपका? यही अमरापड़ा लोड करते, पाकुड़ भी गिराते हैं। अमरापड़ा कहाँ लोड करते हैं? कारू बेड़ा। और पाकुड़ में गिराते हैं? तो गाड़ी में कितना लोड है अभी? तो कितना है, 51 लोड है, उसमें से कम 32 टन मेरा माल है 14 चक्का। क्या हो रहा था? बिना नापी क्या हो रहा था? नापी क्या हो? नापी में 15 टन गाड़ी है, प्रति बड़ा वाला गाड़ी नहीं। और दिन में क्या टिप लगता है? दिन में वही ओवरटेक करना पड़ता है, नहीं तो होता ही नहीं है। एक ही टीम में वही 24 घंटा डूब जाता है। जहाँ लोड रहता है वहाँ नापी नहीं होता है? वहाँ तो लोडर से तो नापी नहीं होता है, काटा है, काटा में होता है नापी। इसके बाद वहाँ खाली करते हैं, वहाँ भी काटा करके नापी होता है। महज इतना ही नहीं, कोयला खदान में कंपनी के द्वारा लगाए गए काटा और चेक पोस्ट पर नियुक्त लोगों का भी किसी प्रकार का पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है। कंपनी को सरकार के द्वारा आवंटित डीजल पर भी भारी हेराफेरी होती है। कई ट्रक मालिक का कहना है कि कोयला खदान से कोयला लेकर जाने वाले ट्रांसपोर्ट ट्रक को कंपनी के द्वारा डीजल उपलब्ध कराया जाता है, जिस कारण डीजल के खेल में भी कंपनी चांदी काट रही है। इस संदर्भ में जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार गर्ग का कहना है कि ओवरलोड कोयला लेकर परिचालन करने वाले ट्रक के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
जबकि अनुमंडल पदाधिकारी पाकुड़ प्रभात कुमार से दूरभाष पर वार्ता में कहा कि ओवरलोडर ट्रक का परिचालन को लेकर ठोस कदम उठाए जाएंगे। कंपनी के द्वारा नियुक्त लोगों का पहचान पत्र होना अनिवार्य है। सरकार द्वारा आवंटित डीजल को लेकर कंपनी के अधिकारी से जानकारी लेकर मामले की जांच की जाएगी।